नमस्कार दोस्तों, पगार बुक के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिजनेस सफल कैसे बनाएं? इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस किया। आज हम बिजनेस रिसर्च के बारे में जानकारी देखेंगे। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस के बारे में रिसर्च करते समय आपको उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो क्या है, स्टाफ कितना होना चाहिए, उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और वो आप कहां से ला सकते हैं। जहां आप बिजनेस शुरू करेंगे वो संभावित कार्य क्षेत्र में उस फील्ड से जुड़े कितने बिजनेस हैं, ऐसी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इस जानकारी में क्या क्या हो सकता है, स्किल्स की या काम की बात करें तो कितने कुशल कारीगर आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेंगे वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके साथ ही आपके बिजनेस के अनुसार वो कारीगर पुरुष होने चाहिए या महिला, ये भी आपको स्टडी करना होगा। अगर कुशल कारीगर की जरूरत नहीं है और वो सारा काम किसी मशीन से हो सकता है तो उसका भी आपको रिसर्च करना होगा। आपको कुल मिला के स्टाफ कितना लगेगा, उनका कामकाज कैसा है, उनको पेमेंट कितना और कैसे देना है, ये भी स्टडी करना होगा। साथ ही साथ अगर आपके बिजनेस के लिए मशीनरी की जरूरत है तो उसके लिए कितनी रकम लगेगी, ये आपको स्टडी करनी होगी। मशीनरी नई खरीदनी है या सेकेंड हैंड, ये भी आप तय कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आ जाएगा और वो रकम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही उस मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलते हैं, उसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा, ये आपको स्टडी करना होगा ताकि अगर किसी मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई तो आप तैयार होंगे। कंप्यूटर, बायोमेट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरा जैसे नई टेक्नोलॉजी में से आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, इसका भी आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। आपके बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल, मशीनरी, स्टाफ के पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंप्यूटर जैसे इक्विपमेंट्स के लिए आपको पैसे तो लगेंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट आप कहां से खड़ी करेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसका आपको स्टडी करना होगा। मार्केट में अगर आपके बिजनेस फील्ड से रिलेटेड और कोई बिजनेस पहले से ही है तो आपको उसका रिसर्च करना होगा, जैसे कि लोग उनके सर्विसेज या प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं या नहीं, मार्केट में उनका नाम कैसा है, उनके पेमेंट के तरीके कौन से हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी क्या क्या है, स्टाफ कितना है, और ऐसी सारी चीजों का आपको रिसर्च करना होगा। आप देने वाले सर्विस या प्रोडक्ट की बात करें तो सच में मार्केट में इसकी जरूरत है या नहीं, अगर है तो वो कितने समय तक रहेगी, ये आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। मार्केट में अगर आपके बिजनेस फील्ड से रिलेटेड और कोई बिजनेस पहले से है तो आपको उसका रिसर्च करना होगा, जिसमें आप देने वाले सर्विस या प्रोडक्ट कस्टमर्स के बजट में होंगे या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। दूसरे बिजनेसेस के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के रेट्स कैसे हैं, वो आपको स्टडी करने होंगे। साथ ही लोग उनके सर्विसेज या प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं या नहीं, मार्केट में उनका नाम कैसा है, उनके पेमेंट्स के तरीके कौन से हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी क्या क्या है, स्टाफ कितना है, ये और ऐसी सारी चीजों का आपको रिसर्च करना होगा। उसके बाद आपके करने वाले बिजनेस के लीगल प्रोसेसेस क्या हैं, उनका भी रिसर्च करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि बिजनेस का नाम, उसका लोगो, लीगल रजिस्ट्रेशन कौन से करने होंगे, ये सारी चीजें आपको पहले देखनी होंगी ताकि आप निश्चिंत रहें और बाद में कभी इसका कोई इश्यू ना हो जाए। इसके लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने वाले योग्य व्यक्ति से मिलना होगा ताकि वो आपको सही तरीके से सारे प्रोसीजर्स समझा सके। बिजनेस को सफल कैसे बनाएं? इस सीरीज के आज के वीडियो में हमने बिजनेस रिसर्च के बारे में जानकारी देखी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। इस वीडियो के प्रस्तुत करता है पगार बुक, जो कि है स्टाफ का हिसाब रखने के लिए भारत का बेस्ट ऐप। प्ले स्टोर से जाकर तुरंत डाउनलोड करें पगार बुक ऐप और हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें।